वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी में सनअत और तिजारत पर तवज्जो नहीं दी गई, हम बरामदात बढ़ाने और सनअत को तरक्की देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर हाउस कराची में एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल के PVC 3 यूनिट के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जब मुल्क के सनअत पर तवज्जो नहीं दी जाती तो मुआशी मसाइल पैदा होते हैं और फिर हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं होता। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मौजूदा हुकूमत इंडस्ट्रीज और कारोबार के लिए रुकावटें खत्म करके आसानियां पैदा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और इसमें मज़ीद वसअत देने के लिए हम CPEC के दूसरे मरहले में भी चीन से मदद ले रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए एंग्रो कारपोरेशन के सदर गयास खान ने कहा कि 70% PVC कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है। पिछले 3 साल में कंपनी ने दिन रात मेहनत करके ये यूनिट लगाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान साल में $170 मिलियन PVC इंपोर्ट करता है, जो कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में तैयार की जाएगी। इससे पहले गवर्नर हाउस कराची में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वफाकी वज़रा और एंग्रो कारपोरेशन के आला हुकाम के हमरा यूनिट का इफ्तिताह किया।